है कि सिर्फ एनडीए में ही सीट शेयरिंग पर तनातनी चल रही है। कमोवेश यही हाल महागठबंधन का भी है, जहां तमाम घटक दलों के बीच सीटों पर रस्साकशी जारी है। इस बीच राहुल गांधी ने तमाम दलों के नेताओं को दिल्ली में तलब किया और उम्मीद है कि दिल्ली में इस बैठक में सीट शेयरिंग की डील फाइनल हो जाएगी। महागठबंधन का महाजुटान, अब बात करेंगे आलाकमान। दिल्ली में डील की बात, राहुल बैठेंगे साथियों के साथ। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी है, लेकिन गुरुवार को बैठक में शामिल होने के लिए महागठबंधन के नेताओं ने आज से ही यहां डेरा डाल दिया है। चर्चाएं आम है कि इस मर्तबा राहुल सभी से दिल की बात करेंगे और इसी दौरान सीट शेयरिंग की डील भी लॉक हो जाएगी। बिहार की सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी मांझी को उम्मीद है कि दिल्ली में उनके दिल की बात जरूर सुनी जाएगी। तेजस्वी जी को भी कहा गया है और महागठबंधन के लोग, बिहार के लोग हैं, उनको भी कहा गया है, वो लोग आएंगे। हम तो यही समझते हैं कि महागठबंधन एक ग्रैंड अलायंस के रूप में काम करे, समस्त हिंदुस्तान में एक होकर के काम करें। एक कवायद कांग्रेस की ओर से चलाया जा रहा है। महागठबंधन की इस बैठक में लगभग सभी अहम दल के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव इसमें शिरकत करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की इस बैठक में शामिल होने की चर्चा है। बुधवार को कुशवाहा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में सभी छोटे दल अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद सीट शेयरिंग पर आखिरी दौर की बातचीत होगी। हालांकि बीजेपी के नेता इस बैठक को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सबको चिंता थी कि भाई किसी तरह से डूबने से हम बच जाए। ये महाठगबंधन जो है, गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, क्योंकि जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं वो ठग हैं। मैं तो यही सलाह दूंगा कि वो एक बार पुनर्विचार करें, इन चीजों पे न जाएं। जानकार बताते हैं कि महागठबंधन की यह बैठक कई मायनों में बिहार में विपक्ष की दशा और दिशा तय करने वाली होगी। इस बैठक पर जहां सत्ताधारी दल की नजर है, तो साथ ही महागठबंधन से अलग दलों की नजर भी इस बैठक पर बनी रहेगी। स्वप्निल सोनल, जी मीडिया, दिल्ली।